हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स में। और आज की क्लास में जो अपन कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका मिरर जॉइन एंड ब्रेक, स्ट्रेच एंड स्केल एंड एक्सप्लोर कमांड। तो इन कमांड्स को आज अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मिरर से। देखिए मिरर क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मिरर ऑब्जेक्ट इसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे अपन आईने के सामने खड़े होते हैं, बस वही आपका कमांड है उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ उस तरीके से। ये कुछ ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब देखिए मेरे को लेना है मिरर। तो मिरर क्या काम करता है, मिरर की शॉर्ट की होती है MI एंटर। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसका मिरर करना है, आफ्टर सिलेक्शन वही आपको एंटर करना पड़ेगा। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया। तो ये जो येलो कलर की लाइन आ रही है ये आपकी एज अ मिरर है और आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। जैसे आप सेकेंड पॉइंट डिफाइन करते हैं आपके पास यहाँ पे आएगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो। अगर मैंने यस किया तो सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा, और अगर मुझे नो करना था तो बाय डिफॉल्ट वो नो ही लेता है। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आप एंटर कर दें, नो ही लेगा वो, और ये आपके इस तरीके से बन गया। अब मुझे क्या करना है, वही फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर। तो इस तरीके से आपका मिरर काम कर जाएगा। तो ये हो गया अपना मिरर कमांड। मिरर के बाद में जो अपन देखने वाले हैं वो अपन देखेंगे जॉइन और ब्रेक। तो जॉइन और ब्रेक के लिए देखो, सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ। देखिए इस लाइन को अगर मुझे ट्रिम करना होगा, ये दो लाइंस हैं, अगर मुझे इसे ट्रिम करना पड़ेगा तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे को चाहिए ये दोनों लाइन। बट इसको मैं नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा ही डिलीट होगा अगर आप 16:17 से अपग्रेडेड वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो। और अगर उससे अपग्रेडेड वर्जन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये पूरा ट्रिम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में अपने को ब्रेक कमांड यूज करना होता है, BR एंटर। आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, जैसे आपने सिलेक्ट किया उस पॉइंट को उसने फर्स्ट पॉइंट लिया और आप दूसरे सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आपका इस तरीके से ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और वहाँ से मेरे को फर्स्ट पॉइंट नहीं लेना है, जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहीं से फर्स्ट पॉइंट लेने स्टार्ट हो जाता है वो, अब फर्स्ट पॉइंट दोबारा से डिफाइन करना है तो आप एफ एंटर करके दोबारा से भी डिफाइन कर सकते हैं और ये सेकेंड पॉइंट। ये तो हो गया आपका ब्रेक कमांड। अब जो लाइन ब्रेक है उसको आपको ज्वाइन करना है, तो जे एंटर फर्स्ट एंड देन सेकंड, दोनों को सिलेक्ट कर दें और आप एंटर कर देंगे तो वो आपकी ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। जैसे जे एंटर, इसको इसको सिलेक्ट करेंगे और ये आपकी ज्वाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपका कमांड आता है वो आता है आपका स्केल कमांड। देखिए एक सर्कल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और उस सर्कल का रेडियस मैंने दे दिया, और काफ़ी छोटा दे दिया मैंने, सर्कल का रेडियस मैंने दे दिया 200। ये सर्कल है मेरा। अब मेरे को इसको स्केल फैक्टर बढ़ाना है इसका, SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर, बेस पॉइंट आपको लेना है और स्पेसिफाई स्केल फैक्टर डाल दें। देखिए स्केल फैक्टर जितना भी होगा, स्केल फैक्टर को आप ये समझ लीजिए कि जो आप स्केल फैक्टर डालेंगे इसकी वैल्यू को वो उससे मल्टीप्लाई करता है। सपोज मैंने अगर डाला 0.5 तो ये 100 का जो है वो 0.5 में कितना हो जाएगा, ओनली 50 का ये सर्कल आपका रह जाएगा। और अगर मैंने डाला 3 तो 100 का जो है वो 300 का हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई स्केल फैक्टर मैंने डाल दिया 3, तो 3 गुना बड़ा हो गया। स्पेसिफाई स्केल फैक्टर इसमें वही SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए SC एंटर करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है और अब स्केल फैक्टर डालना है। जैसे मैं डालूँ 0.2 तो और छोटा हो जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा कंपेयर अपन ऐसा कर लेते हैं, एक सर्कल 50 का और उसके साथ ही उसी में एक सर्कल जो है 80 का, ये दो सर्कल हो गए। स्केल लिया मैंने SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट दिया और स्केल फैक्टर को मैं कर देता हूँ 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये था अपना स्केल फैक्टर। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रेच कमांड। देखिए स्ट्रेच कमांड कैसे काम करती है वो देखते हैं अपन। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रेच करना है, एस एंटर करना है। स्ट्रेच जब भी आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें तो आपको विंडो बना के ही सिलेक्शन डालना है। जैसे इन पे सब सिलेक्शन डाल रहा हूँ मैं, सिलेक्शन डाला फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो वो एडिशनल लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव हो जाएगी। तो स्ट्रेच अगर किसी चीज़ को करना है तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेच होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।